ओके हेलो बीएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, हम बात कर रहे थे हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट स्टीरियो केमिस्ट्री का। ओके तो देखो, स्टीरियो केमिस्ट्री पे ऑलरेडी 5 लेक्चर्स कवर कर चुकी हूँ और होप आपने वो लेक्चर्स देखे भी होंगे। आज हम बात करते हैं हमारे आज के लेक्चर पे, विच इज लेक्चर नंबर 2, और जिसके अंदर हम लोग टॉपिक बनता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ ऑक्सिम एंड एलिसाइलिक कंपाउंड। ओके तो देखो, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, जो आपने मेरे पुराने लेक्चर देखे हैं तो प्लीज आप इंट्रो को आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इंट्रो में आपको मैं चीजें बताती हूँ कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वापस से मैं आपको आपका एक बार सिलेबस दिखाऊं। तो देखो, ये था आपका सिलेबस जो मैंने आपका पोस्ट भी किया हुआ है, जिसमें मैंने सारे टॉपिक्स लिखे हुए जो जो हमने कवर करने हैं, जो आपके सिलेबस में है बीएससी केमिस्ट्री पे, जिसके अंदर पहला टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म, टाइप्स वगैरह सब हम लोग कवर कर चुके हैं। उसके बाद मैंने बोला था दो मेन टॉपिक बनते हैं, एक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हमने स्टार्ट किया था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसके अंदर मैंने आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पहला टॉपिक इसको एक्सप्लेन कर दिया था, ईजर टाइप का नॉमेनक्लेचर, आपका सिस ट्रांस टाइप का नॉमेनक्लेचर सब कवर करा दिया था। मैंने आपको बोला था ज्योमेट्रिकल आइसोमर के ही तीन टाइप हैं, एक है सिस ट्रांस, एक है ईजेड, एक है सिन और एंटी। तो ईजेड और सिस ट्रांस हमने कवर कर दिया है, अब बचता है हमारा कौन सा, सिन और एंटी। और वही सिन और एंटी हमारा कवर किसके अंदर होगा, इस टॉपिक के अंदर, जहां पे हमने पढ़ना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ ऑक्सिम एंड एलिसाइलिक कंपाउंड। बिकॉज ये जो कंपाउंड है ना, ये अपने जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाते हैं उनको हम लोग नॉर्मली ईजेड से या फिर आप सिस ट्रांस से एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उनके लिए हमने सिन और एंटी टाइप का आइसोमेरिज्म का यूज करना होता है, जिस वजह से ये टॉपिक आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आज के लेक्चर पे हमने कवर करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सिम होता क्या। आज हम लोग पर्टिकुलरली ऑक्सिम पे बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर पे एलिसाइलिक कंपाउंड पे। ठीक है, ऑक्सिम आपका एक्चुअल में होता क्या है, तो देखो यहाँ पे लिखा है ऑक्सिम आर द कंपाउंड दैट हैविंग द कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। तो सबसे पहली चीज तो यही ध्यान में रखनी है, ऑक्सिम आपका एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में एक डबल बॉन्ड क्रिएट होता है। ठीक है, अब ये बनता है कैसे कंपाउंड, तो यहाँ लिखा है इट कैन इजली बी प्रिपेयर बाय द ट्रीटिंग हाइड्रोक्सी अमीन विद द कीटोन एंड एल्डिहाइड इन समवट एसिडिक सॉल्यूशन। तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने सबसे पहले कोई कार्बोनाइल कंपाउंड लेना है, पर्टिकुलरली कीटोन या फिर एल्डिहाइड, कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पे हमने सिंपली ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड इंडिकेट किया है, अगर दोनों साइड में आर ग्रुप लगा दूं तो बन जाएगा कीटोन, अगर एक साइड आर ग्रुप और एक साइड में सिंपल हाइड्रोजन लिख दूं तो ये मेरा बन जाएगा एल्डिहाइड। ठीक है, इसको मैंने ट्रीट कराना है किसके साथ, इसको मैंने ट्रीट कराना है हाइड्रोक्सी अमीन के साथ। तो NH2 इज अमीन, इसके साथ मैंने OH ग्रुप लगा दिया तो ये मेरा क्या बन गया, हाइड्रोक्सी अमीन। तो ये बन गया मेरा हाइड्रोक्सी अमीन, इसको मैंने ट्रीट करना है एसिडिक सॉल्यूशन में, तो मैं यहाँ पर H पॉजिटिव लिख देती हूँ, जो कि मेरे को एसिडिक सॉल्यूशन इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अब होगा क्या, यहाँ पे आप इसकी रिएक्शन कैसे कराएंगे, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर को वाटर का रिमूवल हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा, यहाँ से H2 गया, यहाँ से ऑक्सीजन गया, तो क्या निकला, वाटर निकला, और डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन आ जाएगा, तो यहाँ पे हमको क्या मिला, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ पे मिल गया हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो हमने यही बोला था ऑक्सिम आपका ऐसा कंपाउंड है जहां पे कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, तो ये जो कंपाउंड है इसी को हम बोलते हैं हमारा ऑक्सिम। ओके, और हमने क्या करना है, इसी ऑक्सिम का क्या बनाना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाना है। और जैसे मैंने बोला कि इन ऑक्सिम का और एलिसाइलिक कंपाउंड का जब आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाते हैं, इनकी जो नेमिंग करते हैं वो नॉर्मल सिस ट्रांस ईजेड से पॉसिबल नहीं है, इसके लिए हमें सिन और एंटी का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, वो भी हमने आज पढ़ना है। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है, सिन और एंटी का कॉन्सेप्ट भी पूछ सकते हैं और ऐसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, ये बोल रहा है ऑक्सिम ऑफ एल्डिहाइड एंड ऑक्सिम ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन आल्सो शोस द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यानी कि ये बोल रहा है अगर आपके पास कोई एल्डिहाइड है, अगर मैंने यहाँ एल्डिहाइड लिया और एल्डिहाइड का ऑक्सिम बनता है, या फिर किसी अनसिमेट्रिकल कीटोन को मैंने लिया हुआ है, अनसिमेट्रिकल कीटोन मतलब यहाँ पे जो मेरे दो आर ग्रुप जुड़े हुए वो दोनों अलग अलग है, उसे हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल कीटोन, वो आपके क्या करते हैं, आसानी से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अब कैसे करते हैं उसको हम समझेंगे, जैसे मैंने बोला सिन और एंटी का कॉन्सेप्ट हमने यूज करना होता है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई ये सिन और एंटी है क्या, वैसे तो नाम से क्लियर आ रहा, सिन मतलब सेम साइड, एंटी मतलब अपोजिट साइड। सिस ट्रांस में भी हमने यही खेल खेला था, यही खेल खेला था मतलब हमने यही चीज देखी थी कि सिस तब होगा जब हमारे सेम ग्रुप सेम साइड होंगे, तो बन गया सिस, अपोजिट साइड होंगे तो ट्रांस। ईजेड में भी हमने यही देखा था, मैंने बोला अगर सेम प्रायोरिटी वाले सेम साइड होंगे तो जेड, अगर अपोजिट साइड होंगे तो ई। अब वही चीज यहाँ भी है, सिन एंटी में क्या हुआ, सेम साइड आपको देखना होगा, किसके सेम साइड की बात कर रहा है, अगर हमारे सेम साइड होंगे क्या, मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ, सेम साइड यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी ग्रुप की बात करता है। आप यहाँ पे देखिए हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है, और यहाँ पर को अगर मैं बोलूं, देखो अगर मैं बोलूं मेरे पास एल्डिहाइड है तो एक आर ग्रुप होगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा,
तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी, जब आप इसे ड्रॉ करोगे स्टीरियो में यानी कि स्पेस में, तो अगर ये दोनों आपके सेम साइड आए तो ये बन जाएगा सिन, और अपोजिट साइड आए तो एंटी। ठीक है, अब ये प्रॉपरली है क्या? वैसे तो मैंने ऊपर से समझा दिया, आपने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे तो डेफिनेटली क्लियर आ रहा होगा आपको। अब मैं आपको थ्योरी के साथ लेते हुए चलती हूँ। तो देखो, पहला वाला केस जो है ना वो एल्डिहाइड के लिए है, कीटोन के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं अभी, एल्डिहाइड के लिए बोल रही हूँ। क्यों आपको समझ में आएगा? ये बोल रहे, व्हेन द हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड द हाइड्रोजन एटम इज ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड ऑफ ए कार्बन एंड नाइट्रोजन। तो आपको पता है भाई, डबल बॉन्ड होना तो जरूरी ही है अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर आप बनाएंगे। क्यों? क्योंकि जब मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमर वाला आपका कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो वहां भी मैंने आपको बोला था कि भाई हमको पहली कंडीशन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए यही बनती है कि हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जहां पर रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो, जहां पर रोटेशन करना पॉसिबल नहीं है। और हमको पता है भाई हिंड्रेंस वगैरह है तो रोटेशन रुक ही जाएगा, लेकिन एक सबसे अच्छी कंडीशन ये है कि जो ये डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं इनमें रोटेशन नहीं होता। और अभी तक हम लोग जितने भी एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं डबल बॉन्ड वाले ही पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे रोटेशन नहीं होता, तो इसी वजह से ऑक्सिम का भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन रहा है, क्योंकि कार्बन एंड नाइट्रोजन यहाँ पर डबल बॉन्ड में है और इनका रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये तो हमारी पहली कंडीशन ही थी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, इसी वजह से ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना रहा है। ओके, तो ये बोल रहा है कि कार्बन एंड नाइट्रोजन जो कि ऑक्सिम में प्रेजेंट है, जो कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, उसके एडजेसेंट में जो हमारे हाइड्रोक्सी और हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है, देखो हाइड्रोक्सी भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, अगर ये सेम साइड हो गया, अगर ये कहां है सेम साइड है, तो इसे हम बोलते हैं सिन टाइप ऑफ आइसोमर। और अगर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सी अपोजिट साइड चले गए तो इसे हम बोलते हैं एंटी टाइप ऑफ आइसोमर। यहाँ आपको बना के भी दिखाया हुआ है। अब मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही बोला, ये आपके एल्डिहाइड का कॉन्सेप्ट है। क्यों है? क्योंकि देखो भाई, कीटोन का होता तो अगर मैं इसे कीटो लेती, ये कार्बोनाइल कंपाउंड मेरा कीटो होता, तो यहाँ तो हाइड्रोजन होता ही नहीं ना, कीटो होता तो ये दोनों ही मेरे आरआर ग्रुप होते। अगर ये आरआर होते तो यहाँ भी आर, ठीक है, तो हाइड्रोक्सी के साथ कोई हाइड्रोजन तो फ्री यहाँ पे है ही नहीं। तो कीटो के केस में ये चीज नहीं लगती है। अभी ये सिर्फ एल्डिहाइड के केस में देख रहे हैं, बिकॉज एल्डिहाइड में, अगर मैं एल्डिहाइड की बात कर रही हूँ तो मेरे पास एक साइड आर ग्रुप होगा, एक साइड हाइड्रोजन होगा। अगर यहाँ पे भी देखूंगी तो एक साइड आर ग्रुप होगा, एक साइड हाइड्रोजन होगा, और हाइड्रोजन है तभी तो मैं कंपेयर कर पा रही हूँ कि ये जो कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है इसमें जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप है, अगर ये सेम साइड है तो ये बना सिन, अगर अपोजिट साइड है तो बन गया एंटी। अब इसको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाया, देखो ये बोल रहा है ऑक्सिम हमारा कैसा था, हमने लिखा था कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप, कार्बन के साथ एक जगह R है एक जगह H है। तो देखो कार्बन एंड नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड मैंने लिखा हुआ है, एक जगह R मतलब जैसे मिथाइल ग्रुप दिखा दिया, एक जगह मैंने हाइड्रोजन दिखा दिया, नाइट्रोजन के साथ एक जगह मैंने हाइड्रोक्सी ग्रुप लिखा दिया, और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मैंने आपको जब मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर वाला टॉपिक पढ़ाया था वहां भी मैंने ये लोन पेयर वाला केस आपको बताया था कि लोन पेयर को हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब देखो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सी दोनों सेम साइड है, अब सेम साइड है तो क्या बन गया, सिन बन गया। तो बस यही चीज तो बोल रहा है, ये दोनों जब सेम साइड आएंगे, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सी आर ऑन द सेम साइड, तो ये बन जाएगा आपका सिन टाइप का आइसोमर। तो ये ऑक्सिम ही है, ऑक्सिम का हमको ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने को बोलेंगे, तो आप क्या बनाओगे, ये आपका ऑक्सिम का फॉर्मूला हो गया। ऑक्सिम कैसे बना वो भी मैंने बता दिया, रिएक्शन के थ्रू आप बता दीजिएगा कि ऐसे हमारा ऑक्सिम बना। ऑक्सिम बनाने के बाद आप क्या बताओगे, इसके ये दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, और दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर की नेमिंग हम लोग यहाँ सिस ट्रांस के थ्रू नहीं कर सकते, ना ही ईजेड के थ्रू कर सकते हैं, यहाँ पे हम इनकी नेमिंग सिस और एंटी के थ्रू कर सकते हैं, सॉरी सिन और एंटी के थ्रू कर सकते हैं। तो मैंने सिन केस बना दिया, सिन आइसोमर बना दिया, ये आपका क्या है ऑक्सिम का एक आइसोमर है जिसे हम बोलते हैं सिन आइसोमर। और जब मैंने क्या किया, इसी चीज को, इसी को मैंने ऐसे शिफ्ट कर दिया कि ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है इसको मैंने ऊपर डाल दिया, लोन पेयर को नीचे डाल दिया, या फिर आप बोलो मैंने इस कार्बन को, इस नाइट्रोजन को शिफ्ट नहीं किया, इसको शिफ्ट कर दिया, मैंने क्या किया इस हाइड्रोजन को ऊपर डाल दिया, मिथाइल को नीचे डाल दिया, तो हाइड्रोजन ऊपर चला गया, मिथाइल नीचे चले गया। अब आप देखो हाइड्रोक्सी ग्रुप और हाइड्रोजन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चले गए, अब अपोजिट डायरेक्शन में चले गए तो अब मैं इसे क्या बोलूंगी, एंटी। तो जब हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सी अपोजिट साइड में चले जाते हैं, डिफरेंट साइड में अरेंज हो जाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं एंटी। और ये क्या है आपका, कुछ नहीं, ये आपका ऑक्सिम का ही आइसोमर है, और इस आइसोमर को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी आइसोमर ऑफ ऑक्सिन। तो ये ऑक्सिन था, ऑक्सिन के मैंने सिन और एंटी आइसोमर बना दिए जो कि इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। और यही चीज हमसे पूछा है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ ऑक्सिम हमको बताओ, मैंने आपको बना के दिखा दिया, क्लियर हुआ ना। अब ये शिफ्टिंग कैसे हुई, ये चीजें तो पता ही है ना, पुराने लेक्चर्स में मैंने आपको बताया हम स्टीरियो आइसोमर पढ़ रहे हैं। स्टीरियो आइसोमर के ही दो टाइप थे, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। स्टीरियो मतलब स्पेस में अरेंजमेंट, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ डिफरेंस नहीं कर रहे एटम्स का।
हम यहाँ कुछ डिफरेंस नहीं कर रहे, बस एटम का स्पेस में अरेंजमेंट बदल दे रहे हैं। मैं इसे स्पेस में ले रही हूँ, मेरी मर्जी, मैं कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना है ना, तो मैंने क्या किया, कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाया मिथाइल और हाइड्रोजन का, लेकिन एक बार मैंने हाइड्रोजन को ऊपर कर लिया, एक बार नीचे कर लिया, तो मुझे अलग अलग टाइप के अरेंजमेंट मिले, जिसकी वजह से मुझे अलग अलग टाइप के आइसोमर मिले, एक बार सिन मिला, एक बार एंटी मिला, डन हो गया। अब ये क्या लिखा हुआ है, अभी बोल रहा है द नॉमेनक्लेचर रूल यूजिंग एच एन हाइड्रोक्सी इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द एल्डो ऑक्सिन एंड कैन नॉट बी एप्लीकेबल फॉर द कीटो ऑक्सिन बिकॉज देर इज नो हाइड्रोजन प्रेजेंट। तो देखो ये बात तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोल दी थी कि ये जो ऑक्सिन के आइसोमर बन रहे हैं, हमने बात की थी, ये एल्डिहाइड के लिए भी बनेंगे, कीटो के लिए भी बनेंगे, इन दोनों के ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम बना पाएंगे, लेकिन जो हमारे सिन एंटी टाइप के आइसोमर बन रहे हैं वो सिर्फ एल्डिहाइड के बनेंगे, कीटो के नहीं बनेंगे, बिकॉज कीटो के पास तो कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होता ही नहीं है। अब हाइड्रोजन ही नहीं प्रेजेंट है तो भाई सिन और एंटी टाइप के नेमिंग हम उसकी कैसे करा सकते हैं, तो वही चीज इसने बोली है कि ये जो एच और ओ एच वाली जो हम नेमिंग यूज कर रहे हैं, सिन और एंटी वाली जो हम नेमिंग यूज कर रहे हैं, ये सिर्फ आपके एल्डिहाइड के ऑक्सिन के लिए ही एप्लीकेबल है, कीटो के ऑक्सिन के लिए एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज यहाँ कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। तो भाई अब कीटो के ऑक्सिन की नेमिंग कैसे करेंगे, तो ये बोले इसके लिए हम एक रूल पढ़ेंगे जो मैंने लास्ट लेक्चर पे आपको कवर कराया था, जो है आपका कॉन इन गोल्ड प्री लॉन्ग रूल, जिसे हम सिक्वेंशियल रूल या फिर प्रायोरिटी रूल कहते हैं। इस पे हम लोग प्रायोरिटी के बेसिस पे नेमिंग करवाना सीखेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे ये भी बहुत आसान है। देखो हम लोग क्या करते हैं, और एक और पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना, ये पॉइंट ये बोलता है कि जो लोन पेयर होंगे ना वो हमेशा हाईएस्ट प्रायोरिटी में रहेंगे, तो लोन पेयर को आप हमेशा प्रायोरिटी फर्स्ट देंगे। तो आपने अगर ये सीआईपी रूल पढ़ा है तो मैंने आपको बताया था सीआईपी रूल के बेसिस पे हम प्रायोरिटी देते हैं, जो कि हमसे ये बोलता है कि जो सबसे पहले हम ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे वो उसके एटमिक नंबर के बेसिस पे देंगे, फिर एटमिक वेट के बेसिस पे देखेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट एटम के बेसिस पे देखेंगे। तो ये जो प्रायोरिटी है इसको फॉलो करते हुए हम लोग हमारे एटम को फर्स्ट सेकंड थर्ड या फिर आप बोल सकते हो हाई प्रायोरिटी या लो प्रायोरिटी ग्रुप बोलते हैं, और ये हमको ध्यान में रखना है यहाँ पे कि अगर लोन पेयर आता है तो उसको हम हमेशा हाईएस्ट प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। अब कैसे होगा, देखो हमारे पास ये जो कंपाउंड है ये भी हमारा ऑक्सिन ही है, आपको साफ साफ दिख रहा है, लेकिन ये हमारा जो ऑक्सिन है वो कीटो का ऑक्सिन है बिकॉज यहाँ पे आपके कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन फ्री नहीं है, यहाँ पे उसके पास क्या हो रहा है, दोनों साइड आर ग्रुप है। अब ये कैसे बना, अगर आप ये भी देखना चाहते हैं तो मैं ये भी बना के दिखा देती हूँ। देखो हमारे पास क्या है, एक कीटो है, कीटो मेरा क्या हुआ, सी डबल बॉन्ड ओ, इसके दोनों साइड मेरे पास कोई आर ग्रुप लगे होंगे, और अगर मैं ये वाला केस लूं तो इसमें आर ग्रुप में एक जगह मिथाइल और एक जगह फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो मैं यही लगा के आपको दिखा देती हूँ, एक जगह मिथाइल ग्रुप यानी कि CH3, एक जगह फिनाइल ग्रुप जिसे हम PH3 लिखते हैं वो मैंने लगाया, तो ये मेरा एक कीटो है, बिल्कुल है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करानी थी, इसके से रिएक्शन करानी थी मैंने हाइड्रोक्सी अमीन के साथ, हाइड्रोक्सी अमीन मतलब क्या हुआ, H2NOH, यही तो हुआ ना, अमीन क्या हुआ, NH2OH, यही तो हुआ हाइड्रोक्सी अमीन, तो मैंने इसे ऐसे लिख दिया, नाइट्रोजन के साथ जो दो हाइड्रोजन थे उसे ऐसे लिखा दिया और एक जगह हाइड्रोक्सी लगा दिया, रिएक्शन होगी इन एसिडिक मीडियम, तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से वाटर निकलेगा, वाटर निकला तो क्या बना, वाटर निकला तो ये बना CH3 कार्बन फिनाइल ग्रुप डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, एक जगह हाइड्रोक्सी ग्रुप और नाइट्रोजन के लोन पेयर को मैंने ऐसे इंडिकेट करा दिया। तो देखो यही मॉलिक्यूल यहाँ पे इंडिकेट कराया हुआ है, ये आपका कीटो का है ऑक्सिम, लेकिन ये कीटो का ऑक्सिम है, क्लियर हुआ। अब हमने इसकी नेमिंग करानी है, इसके आइसोमर बनाने, सिन एंटी हम कैसे कहेंगे बिकॉज हाइड्रोक्सी ग्रुप तो यहाँ पे है ही नहीं, मतलब हाइड्रोजन तो यहाँ पे है ही नहीं, कोई भी फ्री हाइड्रोजन नहीं दिख रहा, देखो हाइड्रोक्सी ग्रुप है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो अब क्या करेंगे, अब हम काम करेंगे प्रायोरिटी का। देखो सबसे पहले क्या होगा, मैंने आपको प्रायोरिटी में बोला था, सबसे पहले आप अपने ज्योमेट्रिकल आइसोमर के अंदर स्टीरियोजेनिक सेंटर ढूंढिए। स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होता है, लास्ट लेक्चर पे बताया था, स्टीरियोजेनिक सेंटर वो सेंटर होते हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर दे रहे हैं, तो हमको बताइए एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर है और इसमें हमारे पास दो सेंटर है जिनकी वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमको मिल रहा है, एक है कार्बन वाला सेंटर, एक है नाइट्रोजन वाला सेंटर, तो एक ये है स्टीरियोजेनिक सेंटर, एक है ये स्टीरियोजेनिक सेंटर, तो आप बोल सकते हो इसके पास हमारे दो स्टीरियोजेनिक सेंटर्स प्रेजेंट हैं, इसके पास भी दो स्टीरियोजेनिक सेंटर्स प्रेजेंट हैं, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमारा पहला जो स्टीरियोजेनिक सेंटर है इसके साथ पास जो दो एटम्स या फिर दो ग्रुप प्रेजेंट है इनको कंपेयर करना है ऑन द बेसिस ऑफ एटमिक नंबर, एटमिक वेट और नेक्स्ट एटम। पहले आप एटमिक नंबर के बेसिस पे कंपेयर करो, कंपेयर हो रहा है तो ओके है, नहीं हो रहा है तो फिर एटमिक वेट के बेसिस पे करो, वेट के बेसिस पे भी नहीं हो रहा फिर नेक्स्ट एटम के बेसिस पे करो, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है। तो देखो कार्बन एंड फिनाइल इन दोनों को अगर मैं इनके एटमिक नंबर के बेसिस पे करूं तो फिनाइल पे तो देखो ना आपका, आप देखोगे ना फिनाइल पे आपका कुछ ऐसी रिंग होगी, ठीक है, ऐसे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ भी कार्बन होगा लेकिन उसके साथ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे कार्बन है उसके साथ है आपके हाइड्रोजन एटम। तो देखो सबसे पहले मैं आपसे बोलूं
ठीक है, तो देखो अगर मैं मिथाइल और फिनाइल को कंपेयर करूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो प्रायोरिटी के बेसिस पे अगर मैं देखूंगी तो देखो फिनाइल के पास भी कार्बन एटम प्रेजेंट है, मिथाइल के पास भी आपका कार्बन एटम प्रेजेंट है, लेकिन फिनाइल के पास डबल बॉन्ड भी है, जिस वजह से हम इसे फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं कंपेयर टू मिथाइल। तो मेरे को क्या मिलेगा कि पहला जो स्टीरियोजेनिक सेंटर है इस पे जो दो ग्रुप या दो एटम प्रेजेंट है इसमें फिनाइल की प्रायोरिटी क्या रहेगी, फर्स्ट, और इसकी प्रायोरिटी क्या रहेगी, सेकेंड। ठीक है, अब दूसरे स्टीरियोजेनिक सेंटर के पास जाऊं तो इसमें तो देखने की जरूरत ही नहीं है, हमने बोला जो लोन पेयर है इसे हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, तो इसे मैंने प्रायोरिटी फर्स्ट दे दी, इसे दे दी सेकेंड। फिर मैंने क्या किया था, देखो भाई ऊपर मतलब सेम साइड में सेम प्रायोरिटी वाले एटम है, देखो यहाँ टू है यहाँ वन है, यहाँ वन है यहाँ टू है, यानी कि सेम साइड में सेम प्रायोरिटी वाले एटम नहीं है, यानी कि चीजें क्या हो रही है, उल्टी हो रही है। उल्टी बोले तो एंटी, जैसे हमने देखा था ना सेम साइड में सेम एटम है तो सिन, अपोजिट साइड में है तो एंटी, तो सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप कहाँ चले गए, आप ऐसे बोल सकते हो अपोजिट, यहाँ वन था यहाँ वन चला गया, यहाँ टू था यहाँ टू चला गया, तो अपोजिट डायरेक्शन में चले गए, तो अब ये क्या बन गए, एंटी बन गए। तो हम हाइड्रोजन के थ्रू नहीं करा सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, प्रायोरिटी रूल या फिर आपका सी आई पी रूल के थ्रू आपकी नेमिंग करा सकते हैं। तो ये मेरा क्या बन गया, एंटी आइसोमर। अब सिन कैसे बनेगा, इनको मैं रेस कर देती हूँ, ठीक है। अब देखो लास्ट है, ध्यान से सुनना, अब सिन कैसे बनेगा, हमने अगेन किया, मेरे पास दो स्टीरियोजेनिक सेंटर थे, मैंने पहला सेंटर पकड़ा और इसके साथ जो दो एटम है इनको कंपेयर किया। आपको पता है मिथाइल एंड फिनाइल है, वही चीज दोबारा आ गई, फिनाइल की प्रायोरिटी वन रहती है, मिथाइल की प्रायोरिटी सेकंड रहती है, तो मैंने इसे सेकंड प्रायोरिटी दी, इसे फर्स्ट दी। यहाँ नाइट्रोजन के पास देखो यहाँ लोन पेयर है, यहाँ हाइड्रोक्सी है, लोन पेयर को फर्स्ट जाता है, हमने लिख के दिया हुआ है, और ये आपका हाइड्रोक्सी को जाएगा सेकेंड। अब सेम डायरेक्शन में आपके सेम प्रायोरिटी वाले आइटम है, बिल्कुल है, यहाँ भी वन है यहाँ भी वन है, यहाँ भी टू है यहाँ भी टू है, तो सेम डायरेक्शन में जब सेम प्रायोरिटी आ रही है तो इसे हम क्या बोलेंगे, सिन। तो ये क्या हो गया, ये बन गया एंटी आइसोमर ऑफ किसका, ये बन गया कीटो ऑक्सिन का एंटी आइसोमर, ये बन गया उसका सिन आइसोमर। बस इतनी सी चीज थी जो हमने कवर की, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ थ्योरी लिखी हुई है, ये आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनता है तो डाल दीजिएगा, अदरवाइज इसकी भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने सारी चीजें जो बताई है उसी को यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे इसने लिखा हुआ है, ये बोल रहा है जो हमारा एल्डिहाइड का ऑक्सिम होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सी जब हमारे सेम साइड जाता है तो उसे हम सिंपली सिन आइसोमर कहते हैं, जब हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सी हमारे अपोजिट साइड जाता है तो उसे हम एंटी कहते हैं। लेकिन जब हम लोग कीटो के ऑक्सिम की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, तो ये बोल रहा है अनसिमेट्रिकल कीटोन हमेशा क्या देता है, जीआई यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर देता है। अनसिमेट्रिकल कीटोन की बात क्यों कर रही हूं मैं भाई, सिमेट्रिकल भी दे सकता था क्या, तो नहीं दे सकता था, क्यों, देखो अगर सिमेट्रिकल होता ना, मैं आपको यहीं पर दिखा देती हूं, सिमेट्रिकल मतलब क्या हुआ, दोनों साइड सेम एटम। अगर इसके बाद कीटोन मैंने जैसे मैंने रिएक्शन लिखी थी ना, हाँ यहाँ पर देखिए देखो रिएक्शन, ये रिएक्शन थी ना, अगर मैं बोलूँ ये मेरा जो कीटोन है ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल, आप बोलोगे अनसिमेट्रिकल, क्यों, क्योंकि इसके दोनों साइड अलग अलग टाइप के ग्रुप लगे हुए, यहाँ मिथाइल है और यहाँ पे फिनाइल है। अगर मैं क्या काम करती कि यहाँ पे फिनाइल के बदले यहाँ पे भी मिथाइल ही लगा देती तो हम मुझे क्या मिलता, यहाँ पे भी मिथाइल यहाँ पे भी मिथाइल, तो ये मेरा एक सिमेट्रिकल कीटोन बन जाता। और इस सिमेट्रिकल कीटोन की वजह से जो ऑक्सिजन मिलता वो कैसा होता, यहाँ फिनाइल के बदले मुझे क्या मिल जाता, मिथाइल। अब बताओ ये मेरी मिथाइल है, अब इन दोनों को मैं क्या करती, कंपेयर करती, प्रायोरिटी रूल से कंपेयर करती, तो पहले मैं इनका एटमिक नंबर देखती, तो मुझे एटमिक नंबर मिथाइल और मिथाइल दोनों साइड ही मिथाइल है, एटमिक नंबर भी सेम मिलता, एटमिक वेट भी सेम मिलता, नेक्स्ट एटम भी बिल्कुल सेम मिलता, तो ये दोनों तो बिल्कुल सेम है, इनको मैं कैसे बोलूं, किसी को वन किसी को टू, बोल ही नहीं सकती। तो यहाँ पे मैं डिसाइड ही नहीं कर सकती, कोई प्रायोरिटी नहीं दे सकती कि किसे मैं वन दू किसी को किसको टू दू, ये मैं डिसाइड नहीं कर सकती, तो इसके लिए मेरा सिन और एंटी का कॉन्सेप्ट लगता ही नहीं। तो इस वजह से हमने ये बोला कि हम लोगों को हमेशा कीटोन ऐसा लेना है जो अनसिमेट्रिकल है, जैसे मैंने यहाँ पे अगर आपका मिथाइल लिया था तो यहाँ मैंने फिनाइल ले लिया, फिनाइल नहीं अगर मैं यहाँ पर इथाइल भी ले लेती तो मैं देखती कि इसकी प्रायोरिटी फिर ज्यादा होती, इसकी प्रायोरिटी क्या होती, कम होती, तो फिर मैं यहाँ पर को डिफरेंशिएट कर पाती कि किसको वन देना है किसको टू देना है, और जब तक मैं वन टू नहीं दूंगी तब तक मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगी। इस वजह से हमें कीटोन हमेशा कैसा चाहिए होता है, अनसिमेट्रिकल कीटोन चाहिए होता है, वो ही आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर देता है, ठीक है। अब आगे बोल रहा है अल्फाबेटिकली प्रिफर्ड अल्काइल ग्रुप एंड द हाइड्रोक्सी, अगर सेम साइड है तो उसे हम बोलेंगे सिन, और अगर अपोजिट साइड है तो बोलेंगे एंटी। आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था आज का, जिसके अंदर बस हमने क्या किया, ऑक्सिम का ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाना सीखा और उसकी नेमिंग करना भी सीखा। होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहा हो। और एक और चीज मैं आपसे बोलूंगी, देखिए अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है, अगर मुझे कोई सुधार की जरूरत है तो आप डेफिनेटली बताइएगा, मैं उस पर जरूर काम करूंगी, ठीक है। तो अभी इस लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश कर देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।